इंडियन प्राइम न्यूज, मैं आपके साथ विजय यादव। कोरोना वायरस के कहर और उस पर होते हिंदू मुसलमान के जहर के बीच कुछ खबरें हैं जो सामाजिक मिलाप की मिसाल बन रही हैं। ताजा घटना मेरठ की है, जहां एक हिंदू बुजुर्ग की मौत के बाद पड़ोसी मुसलमानों ने उसका पूरे हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करवाया। उन्होंने खुद ही आरती बनाई, उसे कंधा दिया और फिर शमशान ले जाकर पार्थिव देह का पंचतत्व में विलीन भी किया। यह घटना मेरठ के साहपीर गेट स्थित कायस्थ धर्मशाला की है। यहाँ रहने वाले 68 साल के रमेश माथुर कायस्थ धर्मशाला में स्थित चित्रगुप्त मंदिर में पुजारी थे, जिनकी मंगलवार को मौत हो गई। वे अपने बेटे के साथ यहाँ रहते थे। एक बेटा दिल्ली में रहता है। लॉकडाउन की वजह से उनका दूसरा बेटा और बाकी रिश्तेदार आ नहीं सकते थे, जबकि परिवार की माली हालत भी ठीक नहीं है। ऐसे में रमेश के निधन की सूचना मिलते ही मुस्लिम समुदाय के लोग जुटे और पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार उत्पन्न करवाया। इस खबर से एक बार फिर मेरठ में गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली। ऐसी ही खबरें पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, बुलंदशहर और महाराष्ट्र के मुंबई से भी आ चुकी हैं, जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंदू बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया था। मेरठ से शुभम शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम खालिद अंसारी है। आज यहां पे क्या घटना हुई है? ये इनका रमेश माथुर का यहां पर इंतकाल हो गया है, देहांत हो गया है। तो क्योंकि काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे, अब जो है ये शाम का वक्त हो रहा है तो इनके क्रियाक्रम की तैयारी चल रही है। जैसा रमजान का टाइम चल रहा है, आप सब लोग यहाँ पे एकत्र हैं इनके अंतिम क्रियाक्रम में, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग तो भाईचारे का ही संदेश देना चाहते हैं, और क्योंकि हमेशा से हम लोग साथ खड़े हुए हैं, पूरा मुस्लिम समाज इनके साथ खड़ा हुआ है, बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। कुलकीर्ति भूषण भूषण जी, आज एक क्या घटनाक्रम हुआ है? बीमार चल रहे थे बहुत दिन से। कौन थे ये लोग? ये रमेश चंद माथुर है इनका नाम। बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे सज्जन आदमी रहे, सबसे मिलजुल वाले रहे। एक डेढ़ महीने बीमार चल रहे थे बस। आज जैसे कि अंतिम संस्कार का समय आ रहा है और यहाँ मुस्लिम समाज भी आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ, क्या कहना चाहेंगे? ये तो 100 साल से खड़े हमारे साथ में, 100 साल से खड़े हमारे साथ में, इनसे क्या कहना? संदेश देना चाहते हैं? सब फिर तैयार हैं, संदेश देना चाहते हैं कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं। 100 साल से इनके ताऊ चचाओं का सब इन्होंने करा है। क्या कहना चाहेंगे आज के माहौल को, जैसे आज का माहौल चल रहा है उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? माहौल तो हमेशा अच्छा रहता है, भाईचारा तो लोग बिगाड़ते हैं,